अपने जिले के सभी नदियों को गंगा के समान पवित्र मानते हुए बोकारो जिला के उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने सभी नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने पर बल दिया और सभी पदाधिकारियों को दामोदर नदी के तट पर बुलाकर सभी पदाधिकारियों को सभी नदियों की सफाई रखने के लिए शपथ दिलाई। नदियों के किनारे पौधे लगाने का निर्देश दिया। हर पंचायत स्तर पर रंगोली, चित्रकारी और नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता के महत्व को समझाया और उसके बाद दामोदर नदी के तट पर सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए दामोदर नदी की आरती की और पूरे नदी के तट पर एक यज्ञ सहाब पवित्र माहौल बनाकर लोगों को जागरूक किया। बोकारो से सच्चिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। नमामि गंगे कार्यक्रम हम लोग इस जिले में और साहेबगंज और इसी तरह दो तीन जिलों में धनबाद में भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ये 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक चलेगा मार्च महीने में। और इस कार्यक्रम में मुख्यतः हम लोग इस जिले में दामोदर नदी के स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि सर्वप्रथम सफाई का अभियान चलेगा, इसके बाद नदी के किनारे वृक्षारोपण का कार्य चलेगा, इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजों में निबंध का, चित्रकारी का, डिबेट का कार्यक्रम चलेगा जो नमामि गंगे से ही संबंधित रहेगा। और स्वच्छता की ओर इसमें फोकस किया गया है, स्वच्छता की ओर इस पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे हम अपने दामोदर नदी को स्वच्छ रखें। इस जिला में पूर्णिया प्रखंड, बेरमो, चंद्रपुरा, चास और चंदन क्यारी प्रखंडों में दामोदर नदी गुजरती है। इन सभी प्रखंडों में नमामि गंगे कार्यक्रम चल रहा है। सर्वप्रथम 17 तारीख को भूमिया प्रखंड में छिन्नमस्ती के मंदिर के सामने ये गंगा आरती का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 19 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होना था, उसी क्रम में चास प्रखंड के यहाँ पर हम लोग दामोदर के किनारे गंगा आरती का कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग स्वच्छता का भी शपथ लेंगे और एक सिग्नेचर कैंपेन भी हम लोग चलाएंगे कि हम लोग दामोदर नदी को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, ताकि यहाँ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो। और इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो लगातार 31 मार्च तक चलेगा।